थोड़ा सा ना कलर कौन सा मिक्स किया वो बता दो। कहाँ कहाँ पे छोड़ना है वाइट? देखो अगर लाइट इधर से आ रही है ना, इस वाले एंगल से आ रही है, तो हम यहाँ से कलर करेंगे और वाइट वाले पोर्शन को छोड़ देंगे थोड़ा सा। ओके सर। जैसे यहाँ पे वाइट छोड़ा ना हाथ पे इधर, और इधर फेस पे छोड़ा क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, इधर थोड़ा सा नेक पे छोड़ा है। ह्यूमन फिगर ड्रॉ करके उसमें कलरिंग बता सकते हैं? हाँ बता दूंगा मैं, कल बता देंगे। बाकी देखो ड्राइंग ओके पहले सर। का, ड्राइंग का वही है बस, कलरिंग वही तो बता रहे हैं, कलरिंग ही तो बता रहे हैं। वो देखो जरा, सर इमेज बार बार ब्लर हो रही है। सर अब ठीक हुआ? ब्लर डेफिनेटली। अभी भी ब्लर हो गया? ये कैसे हो सकता है, बार बार ब्लर हो गया? ठीक हो तो बताना, ठीक है? कोशिश करनी है हमें अपनी कॉम्पोजिशन में ना सिर्फ फ्रेश कलर यूज़ करने हैं। फ्रेश कलर कौन से होते हैं? जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है? मिडिल टोन लेकर ही चलेंगे हम। अब क्लियर है? ओके मैम। क्लियर आ रहा है? चलो सही है। मैम ब्लैक कलर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते वो, इसलिए बालों में भी देखो ब्लैक कलर यूज नहीं किया। सर और ब्लैक बना करके? ओके हाँ ब्लैक बना करके यूज कर सकते हो, ब्राउन के साथ या क्रिम्सन मिला के थोड़ा। ये कलर इसलिए यूज किया बालों में, तो थोड़ा सा ना नयापन लगता है, वो अलग ब्लैक से निकल कलर के यूज आएगी। करने से ना आपकी जो पेंटिंग है वो डल हो जाती है, तो कोशिश करनी है कि आपको अपनी पेंटिंग को सिर्फ फ्रेश रखना है, फ्रेश कलर ही यूज करना है। जितने ज्यादा फ्रेश यूज करोगे उतनी पेंटिंग अच्छी दिखेगी। फिर से ब्लर हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कपड़ों में हाइलाइट्स नहीं लेंगे? नहीं कपड़ों पे हाइलाइट्स नहीं देनी हमें, ज्यादातर नहीं देनी वो। जैसे ठीक हो जाना, क्लियर हो जाए बता देना।
इसमें कौन सा कलर मिलाया था डार्क करने के लिए इसको? ब्लू कलर। बता दिया करना बच्चों को एक बार। ठीक आ रहा है दिखने में जिया? ठीक आ रहा है? नो सर। जहाँ पानी ज्यादा हो जाए ना वहाँ ऐसे ब्रश से कलर को उठा दो। मैम किसी कलर को डार्क करने के लिए ब्लैक कलर नहीं यूज करना? हाँ ब्लैक कलर नहीं यूज, ब्लैक रखो ही मत पैलेट में। ओके कभी गलती से यूज कराओगे नहीं तो फिर। ये व्हाइट कपड़े पहने हैं। हाँ देखो ये व्हाइट है ना, तो व्हाइट की डार्कनेस देने के लिए ब्लूइश थोड़ा सा यूज करा है यहाँ पे। ओके सर। इसकी भी शर्ट वाइट है। जैसा मैंने बताया ना कि फ्रेश कलर यूज करने हैं, तो वाइट भी फ्रेश कलर है, तो ये ज़्यादा चमकते हैं कलर, तो ये कलर ज़्यादा सही रहता है, इसलिए सिलेक्ट करो अपनी कॉम्पोजिशन में ज़्यादातर फ्रेश कलर। और ये बेसिकली ये फोल्ड्स हैं, ठीक है, जो फोल्ड हो रहे ना वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस आ रही है, तो वहाँ पे उसके लिए ब्लू यूज़ किया हुआ है। अब इससे आपका टाइम भी बचता है। ओके। प्लस आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी रहती है। और जिसको चेक शर्ट बनानी है वो क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल जो जिस कलर की चेक शर्ट बनानी है उसको कलर लेकर लाइंस खींचनी है बस। इसमें पेंसिल से डिटेल दे सकते हैं बाद में? आप कलर पेंसिल यूज कर सकते हो स्टार्टनर के सूखने के बाद। कितने परसेंट यूज कर सकते हैं पेंसिल? ज़्यादा से ज़्यादा 20%, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वाटर कलर का इम्प्रेशन बढ़ जाता है। आईज़ नोज़ बनाने में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ डिटेल में देने में। हाँ यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल इतनी यूज़ करनी है कि वो ओवर ना कर दे वाटर कलर को, वरना ऐसा लगेगा सारा काम पेंसिल से करवाता है। तो वही 10% ऐसे थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, हल्की फुल्की लाइन स्टिंग देनी है वो तो उसमें। सब ब्लर हो गया। फिर से ब्लर हो गया सर? नहीं क्लियर है। ठीक है अब ठीक है। पेंसिल कम यूज करनी है सर? हाँ पेंसिल कलर कम यूज करनी है। नहीं पेंसिल सर, नहीं पेंसिल। पेंसिल से तो ड्राइंग करोगे ना? हाँ सर। नहीं जैसे कहीं डार्कनेस वगैरह दिखानी है तो वहीं पे थोड़ा पेंसिल से करके। हाँ क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज करो, मेरी आवाज नहीं आ रही है। कहीं की पर शैडो हाईलाइट कर ले तो वहां सर जब ड्रॉ कर रहे हो उनके तो हाँ ड्रॉ कर रहे होगे तो कलर मैम मॉव ब्रश यूज करना है। हाँ क्या कह रहे हो? मॉक ब्रश के अलावा दूसरा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। क्या नाम है उसका? फाइनेट वाला
जो नॉर्मली यूज होते हैं वॉम्ब्रश होते हैं, सेवन हेयर के बाल वाले। मॉक ब्रश में थोड़े अच्छे रहते हैं, जो काम अच्छा हो जाता है, पानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना ये। हाँ। दूसरा फिर गिलहरी के बाल वाले रहते हैं, फर्स्ट तो यही बेस्ट है ना। हाँ। ज़्यादा अच्छे रहते हैं, थोड़े से कॉस्टली रहेंगे बस। दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा टूट गया है। आधे घंटे में जाना है, खाली हो जाएगा मुझे 10 मिनट में लगेंगे आपको, खाली बैकग्राउंड में खाली वॉश मारना है। मैम अगर बॉर्डर के लिए मास्किंग टेप यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मास्किंग टेप यूज करनी है तो मास्किंग टेप में प्रॉब्लम आ बॉर्डर पे ना, मास्किंग टेप लगा देना, उससे सफाई आती है काम में। सर जब मैं मास्किंग टेप उतारता हूं तब शीट फटने लग जाती है, उसका क्या करूं? इसको ऐसे करना है तो टाइटली, वो ज्यादा टाइटली आप लगा देते हो, जब बहुत हल्के से चिपकानी होती है तो आराम से इजीली निकल जाती है। पहले भी थोड़ी सी दिखा दो आगे से, ये पैरिटी से इसने को पानी ज़्यादा लिया है नीचे के लिए। और सड़क के लिए कौन सा कलर मिक्स किया है वैसे? वैसे लाइट ब्लू कलर है और मल्टी कलर कोई से भी यूज कर लो, मल्टी कलर में जैसे थोड़ा सा रेड ले लिया कहीं, इसमें भी ना कई सारे कलर यूज़ करने हैं। जैसे फ्लोर पे अगर आप नोटिस करोगे तो कोई एक कलर नहीं होता, कहीं मिट्टी होती है, कहीं लाइट कलर होता है, कहीं ओकर होता है ना, थोड़ा क्रिम्सन होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है।
मैम शैडो के लिए पर्पल कलर यूज करना है। शैडो के लिए हाँ, या शैडो नहीं बना? हाँ यूज कर सकते हो पर्पल, थोड़ा मटमेला कलर, मतलब उसमें थोड़ा सा बन जाना मिला लो। ओके
ये हमारी फर्स्ट होल सब पे लग गई, ठीक है। अब हम फटाफट सेकंड टोन लगाएंगे। सेकंड टोन जो है थर्ड टोन लगानी है, तो सेकंड टोन कहां पर लगाना? नहीं, मतलब हमको हमारी फर्स्ट टोन मीडियम रखनी है, तो हमें सिर्फ दो ही टोन में काम करना है, पहली मीडियम टोन और सेकंड डार्क टोन बस। तो उसके बाद थोड़ा डिटेलिंग पेंसिल से ले सकते हैं ना? हाँ, छोटा ब्रश है से छोटा तो फिर ये वाला होगा इसमें। हाँ, एक मिनट से हो जाएगा। ये छोटा मुझे इसे छोटा डिटेलिंग अच्छी होती है इससे। मैं ब्लर हो गया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में ठीक हो गया? ठीक नो सर, क्लियर अब ठीक है। किससे हो रहा है? सो एंड में एक पतले ब्रश से डिटेलिंग करनी है। फेस में कैसे करनी है? फेस में स्पेशली से जो फेस में जो डार्क कोन है ना, जैसे आईज हो गई, नोज के नीचे डार्क होता है, लिप्स में होता है डार्क, तो खाली उभार है उसको टोन लगा के। उसमें कौन सा कलर यूज हुआ था? इसमें ब्लू, रेड और थोड़ा सा ब्राउन से ना मिला सकते हैं, थोड़ा सा ब्राउन शेडो मिला सकते हैं।